भोपाल से, जहां पर के मिश्रा का ट्वीट सामने आया। बीजेपी की नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बनाई चयन समिति पर सवाल उठाए हैं। भोपाल संभाग से स्थानीय सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ही गायब हैं। बीजेपी की कैसी मजबूरी, साध्वी से कैसी दूरी, क्या ये सिर्फ आग लगाने का ही काम आती है? तो के मिश्रा ने ट्वीट किया है, तंज कसा है। बीजेपी की कैसी मजबूरी है, साध्वी से कैसी दूरी है, क्या ये सिर्फ आग लगाने के ही काम आती है? इस तरह का ट्वीट कटाक्ष उन्होंने किया है के मिश्रा ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर। के मिश्रा का ये ट्वीट, आपको बता दें कि साध्वी से कैसी दूरी है, क्या ये सिर्फ आग लगाने के ही काम आती हैं? बीजेपी की नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चयन समिति पर सवाल के मिश्रा ने उठाए हैं और ट्वीट किया है। जिस तरह से स्थानीय सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल संभाग से गायब, बीजेपी की कैसी मजबूरी, साध्वी से कैसी दूरी और क्या ये सिर्फ आग लगाने के ही काम आती, ऐसा लिखते हुए उन्होंने ट्वीट किया है के मिश्रा ने। तो तंज कसा है एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव प्रभारी के लिए खासतौर से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर, ये दूरी को लेकर और आग लगाने को लेकर उन्होंने इस तरह का ट्वीट जो है वो किया है। तो भोपाल संभाग से स्थानीय सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इसे लेकर के मिश्रा ने ट्वीट किया है कि बीजेपी की एक ऐसी मजबूरी, साध्वी से कैसी दूरी, क्या ये सिर्फ आग लगाने के ही काम आती है? जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम हमेशा कुछ ना कुछ कहने में सामने आता है, हमेशा वो ऐसा कुछ बोल देती हैं, विवादित बयान देती हैं, जिसके बाद कई बार बीजेपी की मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से भोपाल संभाग से स्थानीय सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, हमेशा विवादित बयानों में उलझी रही हैं और बीजेपी भी कई बार उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आए, और ऐसे में अब के मिश्रा ये ट्वीट कर रहे हैं, क्यों, क्या बड़ी वजह है जिस तरह से वो दूरी उनकी बनी हुई है? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो के मिश्रा ने जो ट्वीट किया है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संभागीय चुनाव समिति को लेकर किया है, और उसमें आश्चर्यजनक रूप से भोपाल सांसद को शामिल नहीं किया गया है, जबकि भोपाल महापौर के चुनाव होने हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला। वहीं दूसरी तरफ हम देखें किसी भी साध्वी प्रज्ञा का भी ट्वीट आया है और उन्होंने कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो हमें बगावत मंजूर है, तो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा और संगठन के बीच में एक दूरियां नजर आ रही है, और के मिश्रा ने उसी को साधते हुए कहीं ना कहीं ये ट्वीट किया है। जी, क्या ये सिर्फ आग लगाने के भी काम आती है, ये भी कटाक्ष उन्होंने कर दिया। जी, क्या ये सिर्फ आग लगाने के ही काम आती है, ये भी कुछ इस तरह का जो कटाक्ष है वो भी के मिश्रा ने ट्वीट किया है अपने। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कटाक्ष किया है कि साध्वी प्रज्ञा का जो है उपयोग भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे वेपन के रूप में करती है जहां पर निगेटिविटी फैलानी है या आग लगानी हो, इन वाक्यों का भी प्रयोग के मिश्रा ने किया है, तो निश्चित रूप से मौका मिला भी है, क्योंकि अगर संगठन में जिम्मेदारी हमारे साथ बने रही है। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता खुद के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर, और जिस तरह से आपने कटाक्ष किया है, ट्वीट किया है, साध्वी से कैसी दूरी, क्या सिर्फ आग लगाने के काम आती है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, क्यों जा रहे हैं जैसे कोई जानते नहीं। उन्हें उपयोग में जब लेना था भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो विध्वंस के लिए लेना हो या लोकसभा के चुनाव का टिकट देकर दिग्विजय सिंह जी से बदला लेना हो, तब उन्होंने उन्हें उपयोग किया, और अब चूंकि मतलब निकल चुका है तो भोपाल की संभाग स्तरीय समिति, जिसका औचित्य सिर्फ चुनाव तक है, उस कमेटी से भी प्रज्ञा ठाकुर जी को दूर रखा हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी में एक निर्वाचित सांसद गुटबाजी का शिकार होकर इतना उपेक्षित क्यों? जी मिश्रा जी, आपने ये भी कहा कि क्या ये सिर्फ आग लगाने के ही काम आती है, ऐसी कौन सी आग का जिक्र आपने अपने वॉल के माध्यम से किया? देखिए, उन्होंने सांप्रदायिकता की आग अपने शब्दों से लगाई है और विस्फोटकों में अभी वो बरी नहीं हुई है, मालेगांव में भी उनका नाम है। तो क्या उसी काम के लिए भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार उनका उपयोग करता है? एक छोटी सी कमेटी है किसी सांसद के लिए, कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, मगर उससे भी उन्हें उपेक्षित क्यों रखा गया, स्वाभाविक एक नागरिक के नाते मैंने पूछा है। जी, हालांकि उन्होंने भी ये बातों बातों में ये ट्वीट भी कर दिया है, उन्होंने कहा है कि सच कहना बगावत है तो मंजूर है। जी स्वाभाविक है, आप किसी भी व्यक्ति की, प्रज्ञा ठाकुर जी वैचारिक तौर पर हमारी विरोधी हो सकती हैं, और किसी भी व्यक्ति की अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी कितनी लेगी, वो दर्द तो स्वाभाविक है कि उन्हें उठेगा, और उनकी जगह आप और मैं भी हूं तो मुझे यह दर्द उठना स्वाभाविक है। जी, तो अभी आपको जिस तरह से उनकी उपेक्षा की जा रही है उससे संवेदना आप प्रकट कर रहे हैं?
संवेदना नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर को बयां कर रहा हूँ जी। मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति से संवेदना नहीं है जी, क्योंकि वो इंसानियत के प्रतिकूल आचरण करते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं जी। तो वे संवेदना के लायक या विचारधारा है ही नहीं, इसलिए मुझे कोई संवेदना नहीं जी। सहानुभूति, अभी आपने कहा कि जिस तरह से उनकी अवहेलना की जा रही है, भले ही वैचारिक मतभेद रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के रवैये पर आश्चर्य है, वो मैंने एक नागरिक के नाते पूछा है जी। जी, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बातचीत करने के लिए। तो बता दें कि मिश्रा जी ने स्वयं जुड़े थे हमसे और उन्होंने खास तौर से कहा कि वैचारिक मतभेद भले ही है, लेकिन जो बीजेपी का रवैया है उस पर उन्होंने सवाल उठाए। बहुत और भोपाल